स्वागत है ब्रेक के बाद सिटी राशिफल में। धनु राशि की अब हम बात करेंगे, कैसा रहेगा उनके लिए ये सप्ताह। धनु राशि वाले जातकों को मैं बता दूं, ये सप्ताह आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले हो, मेहनत से आपको लाभ भी मिलने वाला है और सरकारी नौकरी सप्ताह होने के आसार है। शुक्रवार और शनिवार को बेहद ही सतर्क आप जीवन में रहे, बहुत ही उत्तम आपके लिए रहेगा। ये जीवन के लिए बड़ा उत्तरदायित्व लेकर के ये सप्ताह आपको आने वाला है और विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं कि यदि हो सके तो आप इस सप्ताह अपने कार्य को पूर्ण रूप से बिल्कुल अपना पूरा 100% इसमें दे और हो सके तो कुछ दवाइयाँ इत्यादि दान इस सप्ताह करें तो बेहद लाभ आपके लिए बना रहेगा। लगभग 54% के आसपास का सक्सेस रेट आपका इस सप्ताह का है जी। और लकी नंबर और कलर की अगर बात की जाए तो कौन सा रहेगा इनके लिए। लकी नंबर आपके लिए 6 है और रंग की मैं बात करूं तो आप सुनहरी का प्रयोग करें, बहुत विशेष लाभ आपको होगा। और जैसे मैंने कहा कि दवाइयाँ इत्यादि यदि आप इस सप्ताह बांटे तो आपको बेहद लाभ में दिखता होगा जी। आचार्य जी अब जानना चाहते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मकर राशि वाले इस सप्ताह बहुत घूमेंगे फिरेंगे और बेहद ही आपको अपने साथी का लाभ मिलने वाला है। घर परिवार में हल्का सा झगड़ा होने के संकेत है और साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि आप इस सप्ताह किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात भी करने वाले हैं। सूर्य की उपासना आपके लिए बेहद ही उत्तम रहेगी, 64% के आसपास का सक्सेस रेट आपका इस सप्ताह का है जी। और कौन सा शुभ अंक और रंग रहेगा इनके लिए। शुभ अंक की मैं बात करूं तो आप 6 का ही प्रयोग करें और जैसे मैं रंग की बात करूं तो आप चॉकलेटी का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहद ही उत्तम और अच्छा रहेगा। और जैसे मैं देख रहा हूं कि कुछ फल ले ले और उसके अंदर तांबुल थोड़े से पान के पत्ते डाले और थोड़ा सा लौंग डाल करके ये कहीं आप किसी को दे तो पूर्ण रूप से आपको लाभ मैं देखता हूँ सप्ताह का है जी। बात करते हैं कुंभ राशि की, कैसा रहेगा उनके लिए ये सप्ताह। कुंभ राशि वाले इस सप्ताह बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और थोड़ा सा आपको हो सकता है मादक पदार्थ भी परेशान कर सकते हैं और ये सप्ताह कुछ सोच विचार आपका बहुत ज़्यादा बना हुआ रहेगा और साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं का भी आप बिल्कुल देखते हुए प्रयोग करें क्योंकि पेट दर्द भी आपको इस सप्ताह रह सकता है और पड़ोसियों से बेहद लाभ आपको मिलने वाला है और घर परिवार में खेतीबाड़ी से आप देखोगे कि आर्थिक आय भी आपको बहुत अच्छी इस सप्ताह मिलने वाली है। खुशी के दिन यह आपके आगे है ऐसा आप महसूस इस सप्ताह करोगे। शुक्रवार शनिवार बेहद ही उत्तम आपके लिए जी। तो कौन सा रंग और नंबर इन्हें यूज करना होगा इस सप्ताह। नंबर यदि मैं बात करूं नंबर की न तो नंबर आप 8 का प्रयोग करें और रंग की यदि मैं बात करूं तो सिंदूरी का प्रयोग आप करें तो बेहद लाभ आपको जी। जानते हैं अब हमारी अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मीन राशि वाले इस सप्ताह बहुत भाग दौड़ कर सकते हैं और अपने कार्यों को मैं जो है मन नहीं थोड़ा सा लगा पाएंगे और हल्का सा मोटापा भी आपको परेशान इस सप्ताह कर सकता है और खेल कूद करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा है, आपकी सिलेक्शन इत्यादि इस सप्ताह हो सकती है। मंगलवार बुधवार दोनों ही दिन आपके लिए बेहद ही अच्छे हैं और साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके जो बहुत बड़े बड़े कार्य अब अंतिम चरण पे है उसमें बिल्कुल आपको निराशा हाथ इस सप्ताह लग सकती है तो बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं, 47% के आसपास का सक्सेस रेट आपका इस सप्ताह का है जी। तो कौन सा लकी नंबर और कलर मीन राशि वालों को करना होगा इस सप्ताह प्रयोग में जुलाना होगा। लकी अंक की मैं बात करूं तो 1 का ही प्रयोग करें और हो सके तो आप इस सप्ताह गुलाबी रंग का प्रयोग करें तो बेहद लाभ आपके लिए होगा जी। चलिए तो ये तो बात हुई राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका राशिफल, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है या पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों से कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो क्या कुछ उपाय करने होंगे, आचार्य जी से जानते हैं इस सप्ताह। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे यदि मैं आपको उपाय बताऊं तो आप अच्छे से लिख लेना है और ज़्यादातर मैं कहूं कि बच्चे जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बिल्कुल आप अच्छे से देख लें। आपको क्या करना है, अपनी लेखनी को थोड़ा सा लाल रंग का कर देना है या संतरी रंग का कर देना है और माता सरस्वती की उपासना पीले चावलों से करनी है। कोई मंत्र आपको नहीं आता नहीं बोलना है क्योंकि गलत बोलने से अच्छा है आप मंत्र ना बोलिए, मन और भाव से जो है सरस्वती का ध्यान करना है और सरस्वती के साथ साथ लेखनी जिसको आपने थोड़ा सा लाल किया है उसको भी अपने हाथ पे लेना है और बहुत ही अच्छे से 7 फूल सरस्वती और लेखनी को छोड़ने हैं,
और थोड़े से ये जो चावल है ये भी छोड़ने हैं, ये लगभग सूर्य से पहले आपको प्रतिदिन करना है। मेरा मानना ये है कि यदि आप इस तरह का प्रयोग करते हो और 11 बार फूंके बाहर की तरफ छोड़ते हो, लक्ष्मी को याद कर, सरस्वती लक्ष्मी और माता काली को आप याद करते हो तीनों को, तो आपको पूर्ण रूप से कोई भी अच्छे अंक लाने से नहीं रोक सकता है। इस तरह का आप प्रयोग जरूर करें, और विशेष तौर पे अपने बैग में एक मोर पंख और एक लाल की हुई लेखनी जरूर रखें, उससे आपको बेहद लाभ होगा। जी, तो चलिए, ये तो बात हुई इस सप्ताह क्या क्या उपाय आपको करने होंगे पढ़ाई के लिए। आपके मन में अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है acharyaplus@gmail.com, और आचार्य जी से आप सीधे भी जुड़ सकते हैं इनके नंबर पर। बिल्कुल, acharyaplus@gmail.com ये हमारा, इस पे आप छोड़ सकते हैं अपनी समस्याएं, और 9282800013 और 14 ये दोनों ही नंबर कालयुग एस्ट्रो कस्टमर केयर के हैं, इस पे भी आप अपने समस्याओं को छोड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे 9295900004 और फेसबुक पे भी आप इसी नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या रहेगी, सबका निदान हम करेंगे। जी, तो आज की सिटी राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका ये सप्ताह मंगलमय रहे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।